गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम टीचर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। भाषा, हमने टॉपिक पे बात करी थी, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं बच्चे, जब हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, भाषा कहते हैं। ओके, तो हमने भाषा के भेद लर्न करे थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा का एक और भेद होता है जिसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम बोलकर अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं, जब हम बोलकर अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, मौखिक भाषा। क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब हम लिखकर अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है बेटा, जब हम संकेतों के द्वारा अपनी बात किसी को समझाते हैं, जब हम संकेतों के द्वारा अपनी बात किसी को समझाते हैं। जैसे कि बच्चा जो होता है वो संकेत देता है, बच्चे को जब भूख लगती है तो संकेत क्या देता है, रोता है। तो भूख लगने पर बच्चा रोता है, भूख लगने पर बच्चा क्या करता है, रोता है। तो वो आपकी क्या है बच्चे, सांकेतिक भाषा। आगे हम करते हैं भाषा के अंग। भाषा के तीन अंग होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के अंग, भाषा के तीन अंग होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। बात करते हैं वर्ण। वर्ण जैसे आपके क, ख, ग, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चे, वर्ण होते हैं। शब्द, शब्द, शब्द क्या होता है, देखो बच्चा, अगर हम दो शब्दों की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी क, म, ल, तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, शब्द बन गया। अब हम बात करें वाक्य की, दोबारा से बता देती हूँ बच्चे, वर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि आपका क, ख, ग, ये सब आपके क्या है, वर्ण है। शब्द, शब्द किसे कहते हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कमल, क, म, ल, तो ये आपके वर्णों से क्या बना, शब्द बने। ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बालक। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य यानी कि पहले आपका वर्णों से क्या बना, शब्द। अब शब्दों से आपका क्या बनता है बच्चे, वाक्य बनता है। वाक्य किसे कहते हैं, जैसे कि देखिए बालक, बालक रोता है, तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, क्या बन गया, वाक्य। ओके बेटा बच्चे, आगे मैं बात कर रही हूँ आपके सामने भाषा के बारे में। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, संसार में अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है। जैसे कि इंग्लैंड में क्या बोली जाती है बच्चे, अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लैंड में क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। जापान में क्या बोली जाती है बच्चे, जापानी बोली जाती है। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है उन्होंने 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे भारत देश की कितनी भाषा को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं। बोली किसे कहती है, यानी कि जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता है,